हेलो नमस्ते वेलकम, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पे बनने वाला ये खास बिहारी मटन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। इसकी जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है, होली के दिन किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन इसका जो स्वाद होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल धांसू मटन बना है। चलिए बनाने का तरीका सबसे पहले दिखाती हूँ। मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं मटन में दिखा दूँ कौन कौन सी पीस ली है। ये मैंने मेरा जो फेवरेट है एंसीना पीस लिया है, नली ली है और चाप लिया है। ये पीस जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, तो प्रेफर कीजिए कि ये पीस अगर आपको मिले तो आप यही पीस लीजिए। तो यहाँ पे दो तरह के प्याज मैंने काट लिए हैं, एक बारीक और एक थोड़ा सा मोटा। ये जो बारीक वाला प्याज है ना इसको तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, जैसे कि बिरयानी में डालते हैं ना उसी तरह से ये मटन में डालेंगे, तो इसका जो टेस्ट होगा ना वो तो अमेजिंग होगा, बहुत बढ़िया होगा। मटन में थोड़ा सा दही डाल के उसको मैरिनेट करेंगे और भी चीज़ें डालेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 750 ग्राम के करीब मटन है। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने दही लिया है, दही निकाल दिया, उसको फेंट लिया है। और साथ में ये देखिए, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये ग्रीन ग्रीन सा जो लग रहा है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट तो आप डालते ही हैं, इसमें साथ में आप 4-5 हरी मिर्ची डाल दीजिए। इससे इसका स्वाद जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि लाल मिर्ची का टेस्ट अलग होता है, हरी मिर्ची का टेस्ट अलग होता है, काट के डालेंगे तो अलग होगा। तो यहाँ पे मैंने पीस के डाला है, साथ में मिला दिया नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा प्याज जो है ना उसको तल लिया था, जैसे बिरयानी में डालते हैं वो डाल दिया। और सबको खूब अच्छी तरह से मसल मसल के मिक्स करेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक इसको इसी तरह से मिलाते रहेंगे। मिलाने से क्या होता है कि इसका जो मसाला है ना वो मटन के पीस के अंदर चला जाता है, नमक वगैरह सब कुछ अंदर तक चला जाता है। तो जब आप खाएंगे ना तो जब पीस को जैसे दांत से काटते हैं तो वो उसका स्वाद जो है वो अंदर तक जाएगा। तो मैरिनेशन के लिए रख दिया है, लगभग 20 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्याज काट ले रही हूँ। प्याज 2 तरह का काटेंगे, एक पतला और एक मोटा, जैसा मैंने पहले बताया था। तो पतले वाले को काट लिया है और इसमें जो मसाला डालेंगे ना, अगर आप फ्रेश मसाला डालते हैं तो उसका स्वाद तो आप मतलब अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पर ताज़ा मैं यहाँ पर मसाला डालूँगी। तो यहाँ पर लिया है साबुत धनिया, काली मिर्ची और यहाँ पर है ये तेज़पत्ता, जीरा, सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पीस लेंगे। पीस के अलग रख दिया है। इसी मसाले का इस्तेमाल हम मटन बनाने में करेंगे। पैकेट वाला मसाला जो होता है या हमारा पहले का पिसा हुआ रखा हुआ होता है ना वो मत डालिए। इस होली पे जब आप ये स्पेशल मटन बनाएं ना तो इस तरह से बनाइए, बहुत स्वाद इसका बिल्कुल खुल के आता है। तो यहाँ पर पीस लिया है मैंने, अब इसको निकाल देंगे और सेम उसी जार में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, ये देखिए हरी मिर्ची है ना, इसका ऊपर डंठल काट दिया है और वो तीनों को मिला के पीस लेंगे और इसको हम डालेंगे मसाले में। मैरिनेशन में भी मैंने इसको ही डाला है, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। पहले पीस लेते हैं इसको और मैरिनेशन में जो मैंने तला हुआ प्याज डाला है ना वो कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाला है, तलने लायक तेल डालिए और प्याज डाल दीजिए। फ्लेम जो है उसको हाई रखेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। बिल्कुल इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। ये कलर देख रहे हैं, बिल्कुल एक्जैक्ट यही कलर चाहिए आपको, न ज़्यादा न कम। अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद सेम तेल में और भी प्याज मेरे पास है तो एक और बैच डाल देंगे। और इसको काम जो है ना इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो ये जल जाता है। ये देखिए निकाल लिया और कटा हुआ प्याज मेरे पास और है तो वो मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। और यही तला हुआ प्याज जो है ना वो मैरिनेशन में मैंने डाला था। और अब क्या करेंगे, जो तेल निकला हुआ था ना प्याज को तलने में, सेम उसी तेल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी कढ़ाई ले ली है लेकिन तेल वही है। तेल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है साबुत और हींग डाली है और जो कटा हुआ मोटा मोटा प्याज था अब वो डालेंगे। प्याज डाल दिया, अब इसको भूनेंगे। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा ना, बहुत अधिक नहीं भूनना, अगर बहुत अधिक भूनेंगे ना तो प्याज का जो जूस होता है ना वो सारा जल जाता है। बिल्कुल हल्का सा गुलाबी, बिल्कुल हल्का गुलाबी जिसको बोलते हैं ना, वो कलर जैसे ही आएगा अब इसको डाल देंगे इसमें मटन, मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। मटन में तो मैंने प्याज डाला ही है और अलग से भी प्याज डाला है, तो इसे क्या होगा, ग्रेवी जो है ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिच ग्रेवी बनता है। तो इसको डाल दिया, अब इसको आराम से भूनेंगे। अब इसको भूनना है, तकरीबन आप 20-25 मिनट लगा लीजिए कि इसको अब भूनेंगे। बस कुछ नहीं, बस चलाते जाइए, मीडियम फ्लेम रखिए और चलाते जाइए और बीच बीच में चाहे तो ढक दीजिए या फिर नहीं भी ढकिए, ढक देंगे तो जल्दी पक जाएगा। और बहुत अच्छी भुनाई ज़रूरी है, अच्छी जितना भूनेंगे ना तो मटन का टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा होगा।
भूनते भूनते तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो पीसा हुआ था ना मसाला, मैंने ताज़ा मसाला जो पीस के रखा था वो 2 बड़ा चम्मच डाल देंगे। ये जो मसाला है ना, इसको डालते ही इसका स्वाद जो है ना, तुम मत पूछिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मसाला डाल दिया, अब इसको आराम से चलाएंगे, लगभग 5-6 मिनट तक इसको चलाएंगे। हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था मसाले को, तो मसाला कच्चा नहीं है, ये कच्चापन जो रहता है ना मसाले में वो चीज़ नहीं है। मसाला देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें क्या करेंगे, तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी डाल दिया और कवर कर देंगे, कवर कर देंगे। एक उबाल जैसे आएगा फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको अब पकाते रहेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि मटन का जो पीस है वो गल नहीं जाए। ऐसे बीच बीच में चेक करके आप देखते रहिए। ये देखिए हड्डी छूट रही है, इसका मतलब इसका ये जो पका है ना मेरा मटन बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। ये बिल्कुल, ये देखिए बन गया। इसका कलर देखिए बहुत ही लाजवाब है। और लास्ट में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, बस कुछ भी नहीं डालना है और बहुत ही लजीज लगेगा। तो इस होली पे आप सेम इसी तरह से मटन बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका मटन कैसा बना है। जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ तब तक आप एक लाइक कर दीजिए। मैं तो इस मटन को खाऊंगी पुआ के साथ, आप चाहें तो पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, रोटी पराठा जो बना सकते हैं वो बनाइए और खाइए। और अगर होली पे खा रहे हैं तो मेरी मानिए तो आप भी पुए के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली ये बिहारी मटन ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसा बना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।